हेलो प्यारे बच्चों। तो यार हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो पहले आपको यहाँ पे अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, देन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, देन रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलो हम भी कर देते हैं। अरे बच्चों, मैंने जैसे ही अपनी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाली तो ये हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, इसके ऊपर ओटीपी भेजा गया है। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो इतने सारे कॉलेजों में था। तो अभी यहाँ पे हम ईमेल पे जो ओटीपी आया वो डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने ओटीपी डाल दिया है, कैप्चा फिल किया हुआ है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो फाइनली जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर डाल के फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके तो मैंने कर दिया सक्सेसफुली। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये कुछ मुझसे पूछ रहा है रिगार्डिंग द परमिशन, तो मैंने इसको परमिशन दे दी, सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो प्यारे बच्चों यार, ऊपर तो सारी की सारी डिटेल ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ ऊपर तो कोई इश्यू नहीं है। आपको दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आप अगर म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड अदर के लिए, तो आप वहाँ पर यस कर सकते हो। ठीक है, उनका कोई बेसिकली ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है रिगार्डिंग द बैंक डिटेल, तो आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो अपनी बैंक की जो डिटेल डाल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक से डालें। बिकॉज अगर आपकी सीट जस्ट लाइक आप अगर विदड्रॉ करते हैं एंड अदर कोई कंसर्न होता है, तो आपका जो रिफंड है वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर इनिशिएट किया जाता है। तो आप सारे के सारे बच्चे इस बैंक अकाउंट का बिल्कुल ठीक से फिल करिएगा, या तो आप अपने पेरेंट्स का फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका खुद का कोई अगर बैंक अकाउंट हो तो आप अपना भी बैंक अकाउंट यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेना सारे के सारे कि आपने ठीक से फिल किया कि नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब आपको ये डिटेल पूछ रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक बोर्ड एजुकेशन की, जैसे कि आपने बोर्ड कब कहाँ से किया था। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि आपने जैसे 12th बोर्ड की डिटेल मांग रहा है। उसके बाद तो प्यारे बच्चों यार, मैंने 12th की सारी डिटेल फिल कर दी है, सबमिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको मार्क्स वगैरह चेकआउट कर लेना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, फिर से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ जस्ट लाइक अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो हमें नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये फोटोज वगैरह कुछ मांग रहा है, आई थिंक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यार, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, फाइनली प्रीव्यू के लिए आया है। आप सभी इस फॉर्म को पूरा ठीक से फिल कर सकते हो। ठीक है, फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं फिर से हमसे डिटेल पूछता है कि आपकी डिटेल सही है कि नहीं, एक बार टिक कर लो आप अपना जो भी नेम वगैरह सारा का सारा है। ठीक है, तो सारा का सारा टिक करेंगे। जैसे टिक कर दोगे यहाँ पर गेटवे के लिए चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, एक बार अगर आपने कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं जो है पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आ चुका है। ठीक है, अब मैं अपने ऐप में जाके क्यूआर कोड से पेमेंट कर देता हूँ। लाइव देखते हैं आज पेमेंट कैसे होता है गाइस। ओके, फाइनली इजी पे पे मैंने 200 रुपये का पेमेंट, 250 रुपये का सबमिट हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल मेरी तरफ से।
तो गाइस इसमें भी जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है देखो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, फेज वन कंप्लीटेड हो गया, फेज टू है प्रेफरेंस एंड कॉलेजेस। ओके, मैं फेज वन देखता हूँ पहले। तो गाइस हम जो है फेज टू पे जाते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं फिर से हमारे पास ये खुल जाता है ऑप्शन, और ये हमसे डिटेल मांगता है इंग्लिश की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स की। तो भाई बताओ कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो क्लास 12 सब्जेक्ट पूछ रहा है ये, इंग्लिश 4 है, यस, केमिस्ट्री, यस केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ओके कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओके इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमारे कुछ मार्क्स शो कर रहा है, तो वो यार यहाँ पे वो शो शो कर रहा है जिसके लिए हम अप्लीकेबल है। ठीक है, जिन कोर्सेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अभी मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है कॉलेजों का। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज सिलेक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम प्रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेज है, देख सकते हो। यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है और काफी नीचे तक जाते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज, जाकिर हुसैन, श्याम लाल, टंडन कॉलेज आ जाते हैं हमारे पास। यार यहाँ पे पहले ना कुछ गलत गलत दिखा रहा था, जैसे मेरे को यहाँ पे बीए वगैरह सारा दिखा रहा था, लेकिन मेरे को सिर्फ बीएससी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। तो मैंने यहाँ से जैसा कि बीएससी कोई भी कोर्स सेलेक्ट किया, अप्लाई फिल्टर पर मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो मेरे को यहाँ पे अवेलेबल जो प्रेफरेंस है वो 25 दिखा रहा है, यानी कि 25 ऑप्शन अवेलेबल है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमको अप्लाई करना है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेजों के ऑप्शन भी आ जाते हैं नीचे। ठीक है, कोर्सेज के ऑप्शन भी है, तो आप उनको वहाँ पे क्लिक करके, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करके, जैसे मेरे को ये कोर्स चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई फिल्टर पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक कोर्स ही अवेलेबल है। राइट, तो यार इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे प्रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस कॉलेज को ऊपर रख रहे हैं, किसको नीचे रख रहे हैं, किसको बीच में रख रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से होता है। जोसा काउंसलिंग एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा।